हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में। आज की वीडियो छठ पूजा 2021 9 या 10 नवंबर व्रत शुभ मुहूर्त पूजा विधि आज जरूर करें, ये एक महा उपाय। जानिए व्रत से जुड़े चार बड़े नियम। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। नहाए खाए के साथ शुरू होने वाले इस पर्व में व्रती महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं एवं सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा अर्चना करती हैं। छठ पूजा का व्रत महिलाएं अच्छी फसल, परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। छठ व्रत पूरे नियमों और निष्ठा से किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा भाव से किए जाने पर निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है और धन्य धान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से उपासक का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। साल 2021 में 8 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत हो रही है और 11 नवंबर की सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन होगा। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2021 छठ पूजा व्रत की तिथि, मुहूर्त और छठ पूजा व्रत के नियमों के बारे में बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 2021 में कब है छठ पूजा। छठ पूजा का पावन पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। नहाए खाए के साथ शुरू होने वाले छठ पूजा पर्व का प्रथम दिन 8 नवंबर सोमवार को है। 9 नवंबर 2021 मंगलवार को है खरना। शास्त्रों के अनुसार छठ पूजा में खरने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन व्रत रखा जाता है और रात में खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। 10 नवंबर 2021 बुधवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य देना। 11 नवंबर 2021 गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ्य। जानते हैं छठ पूजा पर अर्घ्य देने के शुभ मुहूर्त के बारे में। सूर्यास्त का समय यानी संध्या अग्र रहेगा 10 नवंबर रात्रि 5:30 पर। सूर्योदय का समय उषा अग्र का समय रहेगा 11 नवंबर प्रातः का 6:40 पर। अब बात करते हैं छठ पूजा व्रत के नियमों के बारे में। छठ पूजा व्रत पर व्रती चारों दिन नए वस्त्र पहने। इस व्रत पर व्रती महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहने। यदि संभव हो तो व्रती छठ पूजा के चारों दिन जमीन पर चटाई पर सोए। पूजा के लिए बांस से बने सूप या टोकरी का प्रयोग करें। छठ पूजा पर व्रती और घर के सदस्य भी इन दिनों प्याज लहसुन का सेवन ना करें। इन दिन सात्विकता का पालन करें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें और अपने विचार हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे की ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आज ही एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।